वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2023, और 11 जुलाई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 20 साल के प्रियांशु अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हो चुका है, और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये ताजा करंट की क्लास आपको मिलती है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डेली शाम तक आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ है मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप डेली इसकी पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप इनको सब्सक्राइब करें, और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, किस शहर में प्रथम अंतरराष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली। किस राज्य सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की है? तो ये किया उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में 29 परियोजनाओं का अनावरण किया? तो ये किया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दुबई के अंदर। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? तो ये दौड़ेगी चीन में। किस भारतीय फिल्म निर्देशक को ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है शेखर कपूर। ताइवान भारत के किस शहर में तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? तो ये खोलेगा तीसरा कार्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर। भारत पे ने किसे अपना नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO नियुक्त किया? तो ये किया है पंकज गोयल। किस राज्य में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के नोएडा में। किस राज्य ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया है हरियाणा की सरकार ने। और गूगल ने किस व्यक्ति को भारत नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया है श्रीनिवास रेड्डी को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है, और जो ये स्लाइड आपके लिए मैं क्वेश्चन इस तरह के लेकर आता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर है मिल जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आपको टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें, कोई सूचना कोई लिंक है कोई करंट आता है सब आपको टेलीग्राम पर है मिलता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर इसके अंदर आल एग्जाम वाली पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसके अंदर जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है वो इसके अंदर आपको टेस्ट में उपलब्ध होता है मात्र 50 रुपए के अंदर, और सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद में ये संगणक वाली भी टेस्ट सीरीज चल रही है, संगणक वाली, इसमें भी जो संडे के दिन आपको वीकली राजस्थान और इंडिया का दोनों को इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है। तो इसमें आपको पता है इंडिया का आपको वीकली मिल चुका है, आज आपको इसमें राजस्थान करंट का जो वीकली मिला था वो आज आपको इसके टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। और कोई विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहा है, लगभग एग्जाम उनके कल से फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो 99 रुपए के अंदर हमारे BSTC के जो लगातार आपको मॉडल टेस्ट मिल रहे हैं, तो लगभग 7, आज इसके अंदर 8वां मॉडल टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें 8 मॉडल टेस्ट भी डाले जा चुके हैं, ठीक है? तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। स्टार्ट करें आज की क्लास, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे भी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रैंड इंडेक्स में कौन से दो शहर सबसे ऊपर है? तो अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली शिक्षा के अंदर एक परफॉर्मेंस ग्रैंड इंडेक्स जारी हुई है, इसके अंदर दो शहर सबसे ऊपर हैं, वो है एक तो है चंडीगढ़, एक है पंजाब राज्य, ठीक है? एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और एक पंजाब राज्य इसके अंदर शामिल है किया गया। तो ये दोनों शहर क्या है इस परफॉर्मेंस ग्रैंड इंडेक्स के अंदर सबसे ऊपर माने जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगर दो नंबर पे आपसे बात करे तो दो नंबर पर है केरल और है महाराष्ट्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूली शिक्षा को लेकर परफॉर्मिंग ग्रैंड इंडेक्स यानी कि PGI जारी किया गया है,
इस साल चंडीगढ़ और पंजाब इसमें सबसे ऊपर हैं। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब हमारा राज्य है, तो पंजाब भारत के अंदर एक राज्य है, तो इसमें सबसे ऊपर है। केरल और महाराष्ट्र संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है रहे हैं, तो केरल और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, चंडीगढ़ और पंजाब पहले स्थान पर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, 20 साल के प्रियांशु ने अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो 20 साल के, ज्यादा इनकी कोई एज नहीं है, मात्र 20 साल के हैं प्रियांशु, और इनका अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, और इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है तीरंदाजी के खिलाड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, किस खेल के खिलाड़ी हैं ये? तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये हैं 20 साल के प्रियांशु, और इन्होंने अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन है बन चुके हैं। भारतीय तीरंदाज प्रियांशु कंपाउंड कंपाउंड कैटेगरी में अंडर 21 के वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। प्रियांशु ने वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में अंडर 21 इंडिविजुअल कंपाउंड फाइनल के अंदर स्लोवेनिया के एल जेज ब्रेक को हराया है। इससे पहले उभरती हुई तीरंदाज अदिति स्वामी ने, अगर महिला के अंदर बात आई तो ठीक है, महिला के अंदर है अदिति स्वामी ने अमेरिका की लियन ड्रैक को हराकर अंडर अंडर 18 महिला वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, ठीक है। तो अगर पुरुषों की बात आए तो प्रियांशु है वो अंडर 21 के वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियन बने, और अदिति स्वामी है ये क्या है, इसने अमेरिका की लियन ड्रेक को हराकर अंडर 18 महिला वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है, जब पुरुष की बात आए तो महिला वाले या महिला का भी आपको साथ में याद रखना है। राजस्थान के टोंक निवासी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बन चुके हैं तमिलनाडु राज्य के, किसके बन चुके हैं? ये राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले हैं शिवदास मीणा, और इनको अब क्या है, तमिलनाडु राज्य का मुख्य सचिव इनको नियुक्त किया गया। तो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये हैं शिवदास मीणा राजस्थान के टोंक जिले के। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिवदास मीणा को तमिलनाडु का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वे राज्य के 49वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो ये 49वें मुख्य सचिव बनेंगे। 1989 बैच के अधिकारी शिवदास मीणा टोंक के जिले बेगमपुर के रहने वाले हैं। तो ये टोंक जिले के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। ये राज्य यानी कि तमिलनाडु राज्य के 49वें मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट की गठबंधन सरकार प्रवासन से निपटने में दुर्गम मतभेदों के कारण गिर चुकी है? यानी कि किस देश के प्रधानमंत्री है मार्क रूट, वो क्या गठबंधन सरकार प्रवासन के कारण, एक दुर्गम मतभेदों के कारण जो है मार्क रूट की सरकार गिर चुकी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मार्क रूट है वो किस देश के हैं। तो ये है, ध्यान रखना, नीदरलैंड देश के, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नीदरलैंड देश के थे प्रधानमंत्री मार्क रूट है, और इनका जो है, इन्होंने क्या है, कुछ विपरीत स्थितियों के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट की गठबंधन सरकार प्रवासन से निपटने में दुर्गम मतभेदों के कारण ये गिर चुकी है। नीदरलैंड के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता हैं, कौन है, मार्क रूट ने एक संवाददाता सम्मेलन में अपने पतन की घोषणा की और अपने राजा को अपना लिखित इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया है। तो इन्होंने मार्क रूट ने क्या है, अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो कुछ वजह से वो है सरकार गिर चुकी है, इन्होंने कुछ कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरे ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर टपकेगा, क्योंकि लगभग अभी जो पिछला यूआरओ के वो आपको पता है एलडीसी हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आगे के एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है, भी किस प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ गठबंधन कारणों की वजह से इस्तीफा दिया, तो वो थे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट है। और अब आगे इनके क्या है, नवंबर मंथ के अंदर क्या है, इनके चुनाव होंगे, तब देखेंगे भी नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी फिलहाल इसके अंदर क्या है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा अब इसके अंदर देश में, क्या है, नीदरलैंड के अंदर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? आलू तो आपने देखे होंगे, आलू की आपने सब्जी खाई होगी, आलू प्याज बनाते हैं अपने घर में। तो भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात, आयात का मतलब होता है खरीदना, यानी कि आलू खरीदने की अनुमति दी है, तो ये दी है भूटान देश से, ठीक है। अभी ताजा क्या है, 30 जून 2023 तक, पहले 30 जून
2023 तक इसको अनुमति थी, लेकिन इसको बढ़ाकर जून 2024 तक कर दिया। ठीक है, उससे क्या है, आलू आयात की अनुमति दे दी है। किस देश से? भूटान देश से भारत खरीदेगा आलू। ठीक है, देखो केंद्र सरकार ने जून 2024 तक एक और साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी, यानी कि बिना लाइसेंस के क्या है वो भूटान देश से आलू खरीद रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि 30 जून 2024 तक बिना किसी आयात लाइसेंस के भूटान से आलू के आयात की अनुमति दी है। वर्ष 2022-23 में ताजा या ठंडे आलू का आयात कितना हुआ था? 10.2 लाख अरब डॉलर का हुआ था। कितना हुआ? 10.2 लाख डॉलर का इसमें क्या है आयात हुआ था। कब है? वर्ष 2022-23 के अंदर। ठीक है, तो अब ये जून 2023 तक भारत क्या है भूटान से आलू खरीदेगा। किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? किस देश ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? तो ये किया है मंगोलिया देश ने। किसने किया है? मंगोलिया देश ने इसको लाइसेंस प्रदान है किया है। देखो एलोन मस्क द्वारा स्थापित एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने अपनी स्टारलिंक उपग्रह संचार सेवा के माध्यम से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार है किया है। मंगोलिया सरकार ने स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस है दे दिया है। ठीक है, मंगोलिया ने क्या है स्पेस एक्स को इंटरनेट सेवा के रूप में काम करने के लिए इसको लाइसेंस दे दिया है, यानी कि सुपर फास्ट इंटरनेट इसके माध्यम से चलाया जाएगा। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ है? कौन सा देश है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ? तो ये हुआ है अपना देश भारत। कौन सा हुआ है? अपना देश दो भारत है। ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ठीक है, यो और उन्होंने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में इन्होंने भारत को आमंत्रित किया है। तो इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। देखो भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी कि GCRG के चैंपियन सुबह में इनको शामिल हो गया। यह निमंत्रण समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। किसके लिए है? यह है वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए, भारत के लिए बढ़ते वैश्विक नेतृत्व के लिए इसको इसके अंदर शामिल किया गया। तो अभी क्या है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने क्या है भारत देश को इसके अंदर आमंत्रित किया है। किसके अंदर है? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में इसको शामिल किया है भारत देश को। हाल ही में चर्चा में रहा वायरस मोजेक ने किस फसल को कुप्रभावित किया है? हाल ही में चर्चा में रहा वायरस है मोजेक ने किस फसल को कुप्रभावित किया? तो ये किया है टमाटर को। ठीक है, किसको किया है? टमाटर को प्रभावित किया है। अभी आप में भी ताजा वर्तमान के अंदर भी आप देख सकते हो कि अपने जो है राजस्थान के अंदर टमाटर का रेट कितना बढ़ चुका है, कितनी टमाटर है जो महंगी हो चुकी है। ठीक है, अभी टमाटर आप बाजार से लेकर आओ तब आपको पता चलेगा। कोई भी विद्यार्थी लेकर आया होगा उसको तो पता है भी टमाटर का क्या रेट है। तो अभी ध्यान रखना इसके लिए क्या वायरस मोजेक ने किस फसल को कुप्रभावित किया? तो ये किया है टमाटर को। महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दो राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के टमाटर। ठीक है, किसानों ने इस साल की शुरुआत में अपनी पैदावार में गिरावट के लिए दो अलग अलग वायरस को जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र के किसानों ने बताया कि उनकी टमाटर की फसलें ककड़ी मोजेक, ठीक है, उनकी फसलें ककड़ी मोजेक वायरस से प्रतिकूल रूप से प्रभावित। तो अब महाराष्ट्र ने क्या बताया है? महाराष्ट्र ने बताया है ककड़ी मोजेक है, जबकि कर्नाटक और अन्य दक्षिणी भारतीय राज्यों में उत्पादकों ने टमाटर है मोजेक वायरस को अपने नुकसान के लिए जिम्मेदार है ठहराया है। तो उन्होंने मोजेक वायरस बताया कर्नाटक राज्य ने, और महाराष्ट्र ने ककड़ी मोजेक वायरस बताया है। तो ये दोनों ने क्या है दो लगभग साल से ये क्या बीमारी चल रही है किसके अंदर है टमाटर को क्या है प्रभावित कर रही है। ठीक है, ये वायरस है जो तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के दो अलग अलग राज्यों में फैला हो चुका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं के राजा रमन। ऑप्शन नंबर सी कौन बने हैं? के राजा रमन बन चुके हैं। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो। दूर संचार सचिव के राजा रमन को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। वो राजा रमन इजयंती श्रीनिवास की जगह लेंगे। ठीक है, किसकी जगह लेंगे? राजा रमन इजयंती श्रीनिवास की जगह लेंगे। ठीक है, राजा रमन है वो इजयंती श्रीनिवास की जगह लेंगे, और ये राजा रमन है ये अभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। किसकी जगह लेंगे? ध्यान रखना इजयंती श्रीनिवास की जगह लेंगे। स्पोर्ट्स गियर कंपनी
एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया है श्रद्धा कपूर को। ऑप्शन नंबर ए किसको बनाया है? स्पोर्ट्स गियर कंपनी है एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये एक अभिनेत्री है, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है श्रद्धा कपूर और एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पोर्ट्स गियर कंपनी एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस कंपनी ने कहा कि वह साउंड माइंड साउंड बॉडी की थीम पर ध्यान केंद्रित करेगी और इस अभिनेता ब्रांड के फुटवियर और महिला स्पोर्ट्स वियर के सेगमेंट का प्रचार ये साथ साथ केंद्र करेगी। तो ये ध्यान रखना, श्रद्धा कपूर को एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है किसने? मैक्स वेस्टापेन ने। ऑप्शन नंबर सी किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। मैक्स वेस्टापेन ने लगातार छठी बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती, जबकि लैंडो नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो पहले स्थान पर ग्रैंड प्रिक्स है वो छठी बार किसने जीती? मैक्स वेस्टापेन ने जीती है। और इसके अंदर जो लैंडो नॉरिस है ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो और इन्होंने क्या क्या खिताब जीते ये देखो, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वेस्टापेन ने। स्पेसनिस ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टापेन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टापेन। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। और अभी हाल ही में कौन सा जीत लिया? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीत लिया है मैक्स वेस्टापेन ने। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे जाओगे, लगभग 10,700 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कोई सूचना कोई लिंक है सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में नौवां स्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया? तो ये बनाया गया ईरान देश को। और मैंने आपको 8 देश भी पूछे थे, तो कौन कौन से हैं वो 8 देश? तो इसके अंदर आपको बताया, एक तो चीन शामिल है, ठीक है, एक चीन है, एक अपना देश भारत इसमें शामिल है, एक रूस देश इसमें शामिल है, एक अपना जो भारत पड़ोसी देश है पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है, और 4 तो देश ये हो गए, चीन भारत रूस और पाकिस्तान, और 4 मध्य एशियाई जो देश है, एक तो कजाकिस्तान है, ठीक है, एक किर्गिस्तान है इसके अंदर, एक तजाकिस्तान है और एक उज्बेकिस्तान है। तो 8 देश ये हो गए मध्य एशिया, और एक नोवा इसके अंदर शामिल किया गया है, तो ईरान देश इसमें शामिल हो गया। अब टोटल इसमें 9 देश हो चुके हैं। एक दो विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उनसे बढ़िया तरीके से आपको बेसिक चीजें ये नॉलेज आपको तैयारी होनी चाहिए, ताकि आपका बढ़िया है वो बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए भी G20 के अंदर कितने देश होते हैं। ये आपको पता है जो अभी ये शंघाई सहयोग संगठन ये क्या होता है, ये 4, ये जो बेसिक चीजें होते हैं ना ये आपको पता होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने सैन्य अभ्यास सोलवेक्स का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया? कोच्चि, नागपुर, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और लगातार आपको मेरी टेस्टरी चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर, और शाम को मेरी 5 बजे आपको बताया इंडिया प्लस राजस्थान की वो सीरीज चल रही है। तो 9 नंबर अपनी सीरीज की बात कर ली थी, आज अपने शाम को 5 बजे 10 नंबर सीरीज की बात है करेंगे, तो कंटिन्यू मेरी क्लास आपको मिलेगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और कई विद्यार्थी बुक का भी इंतजार कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी उनका इंतजार खत्म होने वाला है। लगभग सूचना सहायक एग्जाम 1 महीने से पहले, एक लगभग सूचना सहायक का जब एग्जाम होगा उससे लगभग 1 महीने पहले आपको बाजार के अंदर बुक मिल जाएगी। हम आशा करते हैं भी लगभग अगस्त महीने के प्रथम सप्ताह के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।